गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर वेज देकर हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई ऑड वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमको ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म का हो सकता है। तो जो हमको दिखाना है उसको हम लोग सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ए स्मॉल ए वी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि भाई स्मॉल ए हमारा जो है वो एक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। देन वी नीड टू प्रूव दैट, स्मॉल ए इज़ द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तब हमें ये दिखाने की ज़रूरत है कि जो स्मॉल ए है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सिंस वी नो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मैथमेटिकल फॉर्म, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फ्रेंड्स, जब भी आपको इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन दिया जाए तो जो भी इस अल्फ़ाबेट के संग आपको वैल्यू दे रखी हो आप वी को वही कंसीडर कर लोगे। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट क्यू है और क्यू के संग में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले वही करेंगे, पुट वी इज इक्वल टू 6। यानी कि इस इक्वेशन में हम लोग बी की जगह पे कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। तो मैंने वही लिखा है, पुट बी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और हमने इसमें लिखा बी की जगह पे 6 रख दिया है। तो हमारी इक्वेशन क्या होंगी, ए इज इक्वल टू 6q+r। और इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी जब मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था कि r की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 6 यानी कि b जो होगी v से हमेशा छोटी रहेगी। तो आइए देख लेते हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ फॉलोइंग केसेस अराइजेस। तो अब क्या रखेंगे, फर्स्ट केस में जब हमने r बराबर यहाँ पर 0 रखा, तो a इज इक्वल टू 6q मिला। सेकंड केस में जब हमने r बराबर 1 रखा यहाँ पर तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 6q+1, वही मैंने लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 6q+1। थर्ड केस में इफ r इज इक्वल टू 2, यानी कि r इक्वल टू मैंने यहाँ पर 2 रखा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q+2, तो वही दिख रहा है, a इज इक्वल टू 6q+2। फिर आते हैं थर्ड केस, फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस क्या है, इफ़ r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू, a तो a ही रहा, 6 तो पहले से ही 6 है, q पहले से ही q है, लेकिन r की जगह पे मैंने कितना रखना है, 3, तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया है। अब फोर्थ फिफ्थ केस क्या कहता है, इफ़ r इज इक्वल टू 4 देन a की जगह पे a रखा है, 6 की जगह पे 6 रखा है, q की जगह पे q रखा है, बट r की जगह पे मैंने 4 रख दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस क्या कहता है, इफ़ r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6q+5, मैंने यहाँ पर क्या किया, बस r की जगह पे 5 रख दिया है। अब भाई सिंस इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पर हमने माना है कि a जो है a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक ऐसा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, सो 6q, 6q+2 एंड 6q+1 कांट बी अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये लाइन मैंने कैसे लिखी इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चलिए सपोज़ कर लिए मैंने यहाँ पर q की जगह पे 0 रखा तो 0 आ गया, उसको हटाए दो। अगर मैंने q की जगह पे 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा तो कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ पर मैंने q की जगह पे 1 रखा तो 6 1 जा 6 और 2 8, 8 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने q की जगह पे 1 रखा तो 6 1 जा 6 और 4 10, यानी कि ये भी इवन नंबर है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, तो यानी कि ये हम इन तीनों टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे यानी कि इनको छोड़ देंगे। अब आल्सो 6q+1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3q, भाई अगर 3q में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 6q मिल जाएगा ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 × 3q+1। और यहाँ पे मैंने 3q को ये कोई k1 मान लिया है, 2 × k1+1, जहाँ पे k1 क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर आपका k1 क्या है, k1 को मैंने मान लिया है कोई पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से मैं 6q+3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × (3q+1). अगर जरा इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई 3q में करेंगे तो 6q वापस से मिल गया।
फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 और 1 यानी कि 3, तो 6³ + 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट वाली चीज़ को मैंने K2 मान लिया है, तो 2K2+1 जहाँ पे K2 क्या है, वेयर K2 इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से मैंने 6Q+5 को मैंने कैसे ब्रेक कर लिया है ब्रैकेट में, 2 × 3Q+2। अब आप 3Q का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6Q, और 2 का 2 में करोगे तो 4 और +1 यानी कि 6Q+5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब फिर से मैंने इस ब्रैकेट वाली चीज़ को क्या मान लिया है, K3 मान लिया है, और जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेयर K3 इज़ एन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे K3 भी क्या है आपका है, उन्होंने 6Q+1 को 2K1+1 की फॉर्म में लिख दिया है, 6Q+3 को मैंने 2K2+1 की फॉर्म में लिख दिया है, और 6Q+5 को मैंने 2K3+1 की फॉर्म में लिख दिया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ क्लियरली, 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5 आर दी फॉर्म ऑफ 2K+1 वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम लोग 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5 को हम लोग 2K+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, यानी कि 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे, और जब ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये हमारे कैसे नंबर होंगे, ये हमारे ऑड नंबर होंगे। यहाँ पे इसलिए मैंने लास्ट लाइन लिख दूंगा मैं, हैंस वी कैन सी दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म ऑफ 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5। यहीं पर हमारा ये सवाल प्रूफ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माई, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके।